और ये देखो जो ये वाला एरिया ना पूरा, ये पूरा इमली का पानी, इससे क्या होता है ना, अगर हम पहली दीवारों पे इमली का पानी मार देंगे प्लास्टर से पहले, पेंट से पहले, तो जो पपड़ी होती है ना, पेंट खराब नहीं होगा हमारा, दीवार खराब नहीं होगी हमारी। तो इसके अंदर पूरा इमली का पानी खराब हुआ है, तो इमली का पानी हम पूरे घर में पूरी दीवारों पे मार रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये देखो इसमें से मस्त इमली का पानी निकल रहा है गाइस, ये देखो पूरे ड्रम में इमली भरी हुई है, इमली का पानी भरा हुआ है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ से छान के उस मशीन में डाल रहे हैं, फिर पूरे घर में छिड़कना है। तो अभी आ गया अपने रूम पे, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक की सारी पाइप्स लग चुकी हैं, तो इसके अंदर वायर आएगी ना, यहाँ मेरा बेड आएगा, और हम ना पूरे घर में ऑटोमेशन करा रहे हैं। ऑटोमेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैं रात को सोया हूँ, ठीक है, अब सुबह उठा तो अपने आप पर्दे खुल जाएंगे, जैसे ही सनलाइट आएगी तो एक टाइम सेट करूँ, अपने पर्दे खुल जाएंगे, यहाँ के पर्दे भी यहाँ के पर्दे भी अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जैसे वॉशरूम में जाऊँगा सेंसर वाली लाइट होगी, अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप जैसे बाहर आऊँगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक, मम्मी नीचे से लाइट कंट्रोल कर सकती है, मम्मी मान लो नीचे है, नीचे से पूरे घर की लाइट कंट्रोल कर सकती है, फोन से लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारा घर का मेन गेट है वो गाड़ी आएगी तो सेंसर से अपने आप खुल जाएगा, मतलब सारा ऑटोमेटिक वाला सिस्टम पूरे घर में करवा रहे लाइट, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। मतलब जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली जरूरी है घर में, मैं वो चीज़ें करा रहा हूँ, जैसे मेन गेट वाला, भाई भाई मेन गेट पे कौन जाएगा, हमारी गाड़ी आएगी अपने आप गेट खुलेगा, अपने आप बंद होगा, गाड़ी अंदर घुसेगी, या फिर मैं मान लो बाहर हूँ, मेरे को पहले अपने रूम का एसी ऑन करना है, एसी भी सेंट्रलाइज करा रहा हूँ पूरा ऑटोमेटिक एसी, कि भाई मैं बाहर हूँ, मुझे पहले ही बाहर से ही फोन से मैं एसी ऑन कर दूँ, अपना रूम ठंडा हो जाएगा। बाकी यहाँ भी पर्दे आएंगे लंबे वाले पर्दे, तो वो भी ऑटोमेटिक खुलेंगे, ऑटोमेटिक बंद होंगे, देखो इतने बड़े पर्दे हैं, कोई हाथ से तो खोलेगा नहीं। और अब मैं आपको अपनी फेवरेट चीज दिखाने वाला हूँ, हमारा स्टूडियो जो कि ऊपर है, और यहाँ पे आएगी हमारी लिफ्ट पूरी बेसमेंट से लेके ऊपर थर्ड फ्लोर तक, ये है हमारा स्टूडियो। तो अभी यहाँ बन रही है सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ, ये देखो यहाँ तक बनी है ना, अभी फिर जा पाएंगे अपने थर्ड फ्लोर। आप जा सकते हो वैसे नीचे से, मैं सीढ़ी से आता हूँ आराम से आराम से। यहाँ
यहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो मैं तो जा नहीं सकता, कुनाली जा सकता, कुनाली वहाँ से निकल जाएगा नीचे, कुनाली छोटा है ना, तो मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊँगा आराम से, कुनाली आराम से। तो यहाँ पे सरिये लगे हैं, ट्राई करो, सरिया लग जाएगा आपको, बस हो गया। चलो भाई कुनाली तो गया, मैं सीढ़ी से जाऊँगा। हाँ कुनाली पहली बार आया ऊपर, सबसे ऊपर, क्योंकि आ ही नहीं पता था ना, अब सीढ़ियाँ बन रही है तो आ पाया ये। और ये देखो जो ये वाला एरिया ना, पूरा ये पूरा मेरा स्टूडियो है, घर के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे स्टूडियो है पूरा का पूरा, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे मैं अपना आर्ट काम करूंगा, इस आर्ट और ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाते हैं जो। और ये बहुत ही बड़ा स्टूडियो है देखो, यहाँ से लेके पूरा जो पीछे का पूरा एरिया है ना ये, तो मेरे पास जितनी पेंटिंग पड़ी है, आर्ट वर्क पड़े हैं, मैं सारे यहीं पे लगाऊंगा इसी स्टूडियो में, और यहीं पे काम करूंगा मस्त। बिकॉज एक आर्टिस्ट को ना अच्छे स्पेस चाहिए होता है सुकून में काम करने के लिए, तो वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं और स्टूडियो का जो सामने वाला एरिया ना, ये देखो पूरा खाली है, तो यहाँ पे पूरा मस्त सजा देंगे इसको, यहाँ पे घास वास लगा देंगे, गमले हमले लगा देंगे पूरे। और ये जो स्टूडियो बन रहे हैं गाइस, ये मेरा ड्रीम स्टूडियो है, कि मेरा ड्रीम था भाई मेरे पास ना आर्ट का काम करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए मस्त सा बड़ा सा स्पेस हो, जहाँ पे मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के अच्छे से काम कर सकूं। गाइस अभी तो मैं अच्छे से कर नहीं पाता आर्ट वाला काम, बट जब बन जाएगा ना तो यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगा और मस्त चीजें बनाऊंगा। आप लोगों को पता होगा जो स्टार्टिंग से देखते हैं, मैंने हरियाणा में भी एक स्टूडियो बनाया था अपने घर के ऊपर, और मैं वहाँ रहता भी था, वहाँ अपने काम भी करता था मस्त, क्योंकि वहाँ पे अकेले रहता और डिस्टर्बेंस नहीं होती बिल्कुल भी। और आजकल पता है मैं इसीलिए व्लॉगिंग में थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैं घर की चीजों में भी लगा पड़ा हूँ ना, ये लगवाना है, ऐसे करवाना है, बिकॉज जब घर बनता है ना तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक बार बन रहा है तो अपने हिसाब से दिमाग लगा के अच्छे से कि भाई क्या चाहिए हमको, उसके हिसाब से बनवा रहा हूँ, तो फिर भी मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। गाइस मैं सबसे ज्यादा बस एक ही चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं फ्रंट में क्या डिजाइन रखूँ अपने घर के, घर का फ्रंट कैसा, जैसे फ्रंट है ना घर का, तो इसमें क्या डिजाइन रखे हैं फ्रंट में, क्या डिजाइन रखना चाहिए, यहाँ पे क्या लगवाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे शीशा लगवाऊँ, ये प्रॉपर दीवार लगाऊँ, जो ग्लास को मेरे तो पता है फोन में भी सिर्फ घर के डिजाइन ही आते हैं, अब देखो कि इंटीरियर कैसा है, बाहर से कैसा है, ये देखो सिर्फ घर के डिजाइन आते हैं मेरे फोन में, क्योंकि हमारा घर बन रहा है ना भाई, भाई हमारे फोन को सब पता होता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई। आजकल मैं घर के बारे में सर्च कर रहा हूँ ना, घर के डिजाइन देख रहा हूँ, तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे वही रील्स आ रही हैं, वही फोटोज आ रही हैं। ओलू ज़ूम आउट करता हूँ, ये देखो कितनी दूर है गाइस, ये जो फीलिंग है ना स्टार्टिंग से एंड तक घर बनता हुआ देखने की, खुद का वो भी स्टार्टिंग से एंड तक मेहनत करके, तो स्टार्टिंग में जब हम किराए पे रहते हैं, बस किसी घर पे नहीं था, एक रूम में रहते थे, तब से अब तक खुद का घर बनते हुए देखना अलग ही फीलिंग होती है, बिल्कुल अलग। और मुझे लगता है कि हर कोई पॉसिबल कर सकता है, अगर आप सुबह कर सकते हैं, मैं और मेरी फैमिली आपके भगवान पर भरोसा डेफिनेटली आपके सारे सामने पर। गाइस नए स्टूडियो को देख के इतना अच्छा लगा, पेंसिल से बनाऊंगा मैं, वैसे देखने में को पेन लग रहा होगा, बट ये पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल है, शार्प नहीं करनी पड़ती ना। चलो भाई आंख से शुरू करते हैं, तो कमेंट बताना ये आंख किसकी लग रही है आपको। मैंने तो वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड भी खरीद लिया नया, देखो छोटा वाला फोन के लिए, चाय के लिए आए, दूध क्या डाला, क्या डाला इसमें, तो भाई दोनों आंखें मैंने बना दी बिल्कुल लाइट लाइट, तो जो बता सकता है कमेंट करके बताओ, मैं जरूर पिन करूंगा ये आंखें किसकी हैं, बहुत ही पॉपुलर बंदे हैं जो भी हैं। और देखो मैं कितनी बड़ी ड्राइंग बना रहा हूँ पूरी, गाइस इसको कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, बिकॉज काफी बड़ा साइज है, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, तो आप गैस करो कौन है। फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आज तो अम्मा भी लगी हुई है, है अम्मा, देख लो पूरी फैमिली लगे पड़े हैं ट्रीटमेंट के लिए। गाइस हमारा घर बनने में ना 99.9% कंट्रीब्यूशन पूरी फैमिली का ही है।